गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने में नगर निगम की टीम जुट गई है। कार्यक्रम की तैयारियों का शुक्रवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने निरीक्षण किया तथा कार्यों को समय से पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 24 अक्टूबर को लगभग 356 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिसर में होना प्रस्तावित है, जिसमें नगर निगम के 150 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत तैयारियों को लेकर नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया गया और साफ सफाई, संक्रामक रोगों व अन्य रोगों से बचाव के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव, फॉगिंग, सैनिटाइजेशन, मैलाथियन, ब्लीचिंग व सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव एवं अन्य सभी कार्यों को कराने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम में जन जागरूकता के बैनर, पोस्टर स्थापित कराने हेतु भी निर्देशित किया गया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त आरबी सिंह, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र, जूनल अधिकारी अमरीश बहादुर पाल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी, अखिलेश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, हेलो जी सर, जी सर, प्रधानमंत्री जी का लेटेस्ट है, प्रधानमंत्री जी वाला करेगा जी। और इसमें पूरे घने घने एकदम और ये पूरी एलईडी लाइट लग जाएगी तो उधर यार बहुत लेकिन कुछ जगहों पर ना ये हमें चाहिए ये पूरा चेंज मतलब क्या होगा फर्क दिनांक 24 तारीख को शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो ये मैदान फील्ड है उसमें नगर निगम की जो लगभग 150 करोड़ की विकास की जो योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके द्वारा उन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। निश्चित रूप से पिछले आप देख रहे हैं कुछ वर्षों में लगातार नगर निगम जो है अपनी जो क्षमताओं में अभिवृद्धि करते हुए शहर के विकास में सतत प्रयत्नशील है और उसी के कड़ी में अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 100 करोड़ की जो परियोजनाओं का उनका शिलान्यास और लोकार्पण कराया था और उसी के क्रम में आज हम लोग करा रहे हैं। इसके बाद अभी हम लोग का जो दीपावली के मेला के अवसर पर तत्पश्चात 14 से लेकर 20 नवंबर के बीच में इसी प्रकार की विभिन्न जो हमारी विकास की योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण है माननीय मुख्यमंत्री जी के महोदय के द्वारा किया जाएगा और निश्चित रूप से ये इससे शहर के विकास की एक नई गति मिल रही है और जो हमारे शासन की जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनसे शहर की जो जनता को बहुत लाभ पहुँच रहा है। लोकार्पण में क्या मुख्य क्या
सदन भवन का भी लोकार्पण होगा इसका। सदन भवन का जो लोकार्पण है वो 15 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में होगा। और इस बीच जो इसमें आप देखेंगे कि जो लगभग 150 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा, उसमें बहुत सी जो हमारे शहर के लगभग 150 सड़कें हैं, नालियाँ हैं, नाले हैं, लगभग 18 करोड़ की धनराशि से हमारा सॉलिड वेस्ट से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं, जिसमें कि हम पोर्कलेन, JCB, डंपर, कई गाड़ियां खरीद रहे हैं। एक जो गोरखपुर शहर में एक दिक्कत आ रही थी कि जो हमारे यहाँ मृत पशुओं के निस्तारण की, उसके लिए भी हम लोग एक क्रेमेटोरियम बना रहे हैं। एक वेस्ट बंगाल की जो कंपनी ने अपना DPR प्रस्तुत कर दिया है और उसके लिए हम लोगों ने फंड अलर्ट, उसका भी एक शुभारंभ होगा। निश्चित रूप से इससे जो हमको मृत पशुओं के इधर उनको दफनाने में और दिक्कतें आती थी, वो दिक्कतें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारा ITMS में के तहत शहर के 21 चौराहे ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैफिक की मजबूत व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बस का चार्जिंग स्टेशन है, उसका भी शुभारंभ किया जाएगा, लगभग वो भी काफ़ी हद तक बनकर रेडी हो गया है। तो ये पिछले कुछ वर्षों में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नेतृत्व में गोरखपुर जनपद में गोरखपुर नगर निगम के द्वारा जो लगातार एक शहर को विकसित किए जाने के संबंध में जो एक प्रयास चल रहा है, उसी की एक कड़ी में ये 24 तारीख की शाम को ये कार्यक्रम होगा।